में कैसे बनानी चाहिए रणनीति और स्टॉक्स में कैसे बनाने हैं ट्रेड, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटी से कुणाल झा, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक, नेरोड बैंक सिक्योरिटी से नीरव छेड़ा और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका भी हमारे साथ। कुणाल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है, 85 अंक ऊपर है स्पॉट में निफ्टी, अब यहाँ से अगला ट्रेड क्या बनेगा? गुड आफ्टरनून आशीष, आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पेसिफिकली आप देखोगे तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो स्ट्रेंथ बनी रहेगी। निफ्टी में बाय का ही अप्रोच रखना है, 22,600 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। हायर एंड पे हमने ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था कि 22,800 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखोगे तो 22,800 में कॉल राइटिंग भी हुई थी ट्यूजडे के ट्रेडिंग सेशन में। पर आज जिस हिसाब से हमने लोअर एंड से वापस बाइंग देखी है, मेरा व्यू बुलिश साइड पे रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी 22,750 और 780 के टारगेट्स दिखा सकता है इंट्राडे बेसिस पे, तो निफ्टी बाय करके चलना है। 22,660 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 22,750 और 780 के टारगेट्स रखने हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखी है, पर बैंक निफ्टी भी अब एक बाइंग के जोन में आ गया है। अगर आप डेटा भी देखोगे तो 49,000 फुट राइटर्स अभी भी एक्टिव है लोअर एंड पे सपोर्ट पे। सो अगर आपको बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो या थोड़ा डिप भी मिलता है तो भी यूटिलाइज करिए। फ्यूचर्स के लेवल की मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी में, टू बी स्पेसिफिक 49,300-400 का ये जो जोन है उसके अंदर आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस रखना है 49,100 का डाउन साइड पे एंड 49,600 और 49,730 के टारगेट्स अपसाइड पे रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी बैंक हल्के से करेक्शन के बाद अब ये भी बाय जोन में लौट रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी का व्यू बनाकर चल सकते हो। निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है, सुबह से हम देख रहे हैं अभी भी 90 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। सर कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में हम स्टॉक्स ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन प्रोविजनिंग जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी रही है इसको समझते हैं। लेकिन फर्स्ट ग्लांस में अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिल रहे हैं। कनेक्टेड है कुणाल जी हमारे साथ। कुणाल जी एक बार चार्ट देख के आप बताएंगे कि फेडरल बैंक यहाँ पर स्टॉक अगर आप देखें तो नतीजों के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, उतार चढ़ाव है, नतीजे फर्स्ट ग्लांस में अनुमान के मुताबिक है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखोगे आप स्टॉक को तो हायर एंड पे जो रेजिस्टेंस था स्टॉक के लेवल पे वो था 166-167। आज हमने देखा है कि वो इंट्राडे बेसिस पे स्टॉक ने वो सरपास किया था। अब इसके ऊपर सस्टेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले भी स्टॉक ने काफी टाइम ये लेवल्स बताए थे बट कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। अगर ये वीक क्लोज हो जाता है, सिंस कल एक वीकली क्लोजिंग है, 167 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव पे 182-189 के लेवल्स दिखा सकता है। सो आई थिंक क्लोजिंग का वेट करिए, करंट लेवल्स पे तो मैं बाय रिकमेंड नहीं करूंगा। लोअर एंड पे अगर डिप भी आती है तो 160 तक के स्टॉक में डिप आ सकती है, वहां एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो वापस 166-167 के टारगेट बता सकती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर फोकस रख के चल सकते हैं फिलहाल अगर आप देख। चलिए कुणाल जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए अपने दो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज। आशीष जी दोनों आइडियाज बाय साइड के रहेंगे। फर्स्ट कॉल है मेरा वो है केमिकल स्पेस में से। आज केमिकल स्पेस काफी बजिंग है, वहाँ पे मेरा पिक रहेगा दीपक नाइट्रेट। स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमने कंसोलिडेशन करेक्शन देखा है, वापस एक अपमूव के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। सो करंटली 2470 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो दीपक नाइट्रेट। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पर रखना रहेगा वो है 2420 का। जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अपसाइड के ऊपर वो है 2530 और सेकेंड टारगेट है 2570 का। सो दीपक नाइट्रेट मेरा पहला पिक रहेगा बाय साइड पे। सेकेंड स्टॉक है जहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है ITC। ITC में आपने देखा रहेगा कि रिसेंटली हमने एक ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद अगेन हमने कंसोलिडेशन 3 दिन का फेज देखा है, आज वापस बाइंग मोमेंटम रिज्यूम हुआ ITC में। 440 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे उसको लॉन्ग कर सकते हो। 429 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, जो फर्स्ट टारगेट है वो है 453 और सेकेंड टारगेट है 462 का। ऑलराइट, तो दीपक नाइट्राइट यहाँ पर 2570 का टारगेट है, 2420 रुपए का आपको स्टॉप लॉस सरकार चलना है। और ITC यहाँ पर भी देखिए 453-462 दो टारगेट्स हैं, 429 का स्टॉप लॉस, 440 के करीब ये स्टॉक आपको फ्यूचर्स में मिल जाएगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।